नरवर शिवपुरी से मां नर्मदा जयंती नरवर मगरौनी के संगम स्थल सिंध नदी के पुल पर धूमधाम से मनाई। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा की स्तुति पूजा अर्चना आराधना की। नर्मदा जयंती के अवसर पर नरवर मगरौनी संगम सिंध नदी की महाआरती का हुआ भव्य आयोजन। सिंध नदी मैया को चुनरी उड़ाकर दीपदान किया। जन अभियान परिषद नरवर के तत्वाधान में मां नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर नरवर मगरौनी संगम पर स्थित सिंध नदी के पुल के तट पर नरवर की जीवनदायिनी सिंध नदी पर लगभग 100 श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा और सिंध नदी का विधि विधान से पूजा अर्चना स्तुति और की। नर्मदा मैया के चित्र पर कुमकुम अक्षत लगाकर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। तदुपरांत नर्मदाष्टक का पाठ किया। जन अभियान परिषद के विकासखंड समन्वयक महेश परिहार ने सर्वप्रथम कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का स्वागत भाषण के माध्यम से स्वागत किया। महोत्सव के विशिष्ट अतिथि प्रदीप शुक्ला बीआरसी ने नदियों को प्रदूषण से बचाने और संरक्षण के विषय में विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि जिला बौद्धिक प्रमुख संजय गौतम ने नदियों के किनारे अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। इसके पश्चात नरवर मगरौनी की जीवनदायिनी सिंध नदी मैया की उपस्थिति श्रद्धालु ने पूरे भक्ति भाव से महाआरती कर चुनरी उड़ाकर दीपदान कर महा आयोजन किया। सिंध नदी तट के घाटों को चारों ओर दीपक जलाकर प्रकाशमान किया। तत्पश्चात प्रसाद वितरण किया। कार्यक्रम का संचालन राकेश लक्षकार ने किया। आभार व्यक्त संतोष शर्मा ने किया। इस अवसर पर संकुल प्राचार्य मनोज भार्गव, तेज प्रताप जादौन, विजय भदौरिया, प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल थरखेड़ा सहित 100 श्रद्धालु उपस्थित रहे। जल संरक्षण के लिए और गंदे जल की निकासी के लिए विशेष व्यवस्था है भारत सरकार द्वारा। प्रत्येक गाँव में ओम जय जगदानंदी मैया दयानंद नंदी ब्रह्मारि शिव शंकर विराजत आतन दात विराजत कोटि रतन ज्योति से। सभी अतिथि महोदय से निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करें। आज हम आपका आह्वान कर रहे हैं सिंध नदी के ऊपर श्री मां नर्मदा की आरती हेतु हम सब जन अभियान परिषद के सदस्य लोग इकट्ठे हुए हैं और मां नर्मदा की आरती कर रहे हैं। श्री गणेश जी महाराज से निवेदन है कि वे सब परिवार सहित यहाँ पर पधारें और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाएं। हरिओम हरिओम श्री गणगणपते नमः। ओम श्री गणाधिपते नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुर्वे देवेषु कार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्य। हिंदू संत कथि के प्रोता महाराज शिवाजी का भी जन्मदिन आज है। और भी आगे हम जब चलते हैं और हमारे लिए अपने संगठन के द्वितीय सरसंग चल। ओम सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्री चंदनार्ते चंदनम समर्पयामि नमो नमः। मां गंगा नर्मदा जी पर चंदना चंदन लगाए हल्दी हल्दी चंदन चंदनार्ते चंदनम समर्पयामि नमो नमः। ओम श्री अक्षतार्थे अक्षतम समर्पयामि नमो नमः। ओम श्री वस्त्रार्थे वस्त्रतम समर्पयामि नमो नमः। जो जी वस्त्र उनके सब श्रृंगार का सामान है नाम मंदर भैया कैसे जुड़ा दू। वस्त्रार्थे वस्त्रतम समर्पयामि नमो नमः। बस सुन ली चढ़ाए माँ मैया। हरि ओम श्री पुष्पार्थे पुष्पतम समर्पयामि नमो नमः। पुष्प चढ़ा संतोष। नैवेद्यार्थे नैवेद्यम समर्पयामि नमो नमः। जय तू बता से तामोल फुल्ली फलम समर्पयामि नमो नमः। ओ फलम समर्पयामि नमो नमः। ओम श्री महामाया भगवती नर्मदे मैया की जय। बोल गंगा मैया की जय।
बोल सिंध मैया की जय। बोलो हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज की जय। बोले शंकर की जय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज के इस पावन अवसर पर हमारी जन अभियान परिषद विकासखंड नरबर की टीम के द्वारा आयोजित एक छोटे से प्रयास में बहुत बड़ा योगदान देने के लिए हमारे अल्प आग्रह पर जो महानुभाव हमारे इस आयोजन की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर पधारे हैं, मैं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड समन्वयक होने के नाते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। अतिथिगणों, आज के कार्यक्रम को आयोजित करने की आवश्यकता और उसकी भूमिका 14 फरवरी 2021 को जब हम पुलवामा के शहीदों को याद कर रहे थे शारदा हायर सेकेंडरी स्कूल के सभागार में, उसी समय उसकी भूमिका बना ली गई थी। उसी समय हम लोगों ने कल्पना की थी कि जो उत्तराखंड में जो त्रासदी आई तो हम लोगों के मन में आया कि ये त्रासदी क्यों आई और इसके प्रति किसकी जिम्मेदारी है, क्या इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, इन सब पर विचार करने का कोई अवसर होना चाहिए। खबर भारतवर्ष के लिए नरवर शिवपुरी से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी फैसला जनतंत्र का।